गाइस, और आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि ये नया नया सा चेहरा आखिर आप सभी के सामने कैसे है, तो मैं बता दूं, अभी थोड़ी देर बाद बताती हूँ, लेकिन उसके पहले बता देती हूँ यार, गर्मी बहुत ज़्यादा है और फैन ऑफ करके मुझे यहाँ पर आपके सामने लाइव बैठना पड़ रहा है, बट इट्स ओके, मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ क्योंकि इतना टैलेंट तो आखिर मेरे अंदर है ही। तो मेरा नाम आरजे शिखा है और फ्यूचर में आप मुझे एज अ शो होस्ट भी दिखने वाले हैं क्रिकपेक्स पर, और फर्स्ट टाइम मैं लाइव आई हूँ आप सभी के सामने। तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में हाय तो कम से कम सेंड करें ही करें। और आज जो हमारे साथ लाइव आने वाले हैं उनके बारे में रैपर हैं, और आज वो हमें बताएंगे कि आखिर हम अपने बॉडी को कैसे फिट रख सकते हैं COVID-19 जैसे सिचुएशन में। जो भी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं फटाफट ज्वाइन कर ले यहाँ पर एज सून एज पॉसिबल, और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप भी पूछ सकते हैं कि आखिर हम अपने को कैसे फिट रख सकते हैं डांस के थ्रू। और अपने जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल आप रेडी रखिए ताकि आप भी पूछ सके, और मैं तो पूछूंगी ही पूछूंगी कि आखिर हम डांस के थ्रू अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं, कैसे हेल्दी रख सकते हैं, डांस हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। हेलो विनीत सर। हेलो शिखा, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आप कैसे हो? एकदम फाइन। ओके, तो अभी मैं बता दूं कि हमारे साथ विनीत एमजे सर हैं और ये किंग्स यूनाइटेड फैन से हैं और एकदम बेहतरीन रैपचिक डांस करते हैं, और आज हमारे साथ लाइव हैं और आज बहुत सारी बातें बताने वाले हैं हमें कि हम डांस के थ्रू कैसे फिट रह सकते हैं, कैसे हेल्दी रह सकते हैं, और ये खुद भी इतने फिट शेप से हैं। तो अभी विनीत सर, मैं चाहती हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन खुद से दें, क्योंकि जो इंसान खुद से करता है ना इंट्रोडक्शन वो बेहतरीन होता है। या फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो पहले थैंक यू बोलना चाहूंगा क्रिकपेस की पूरी टीम को एंड आपको भी कि मुझे इनवाइट किया अपने शो में, एंड जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये आपका पहला लाइव इवेंट मतलब ज्वाइन कर रहे हो क्रिकपेस के साथ, तो ये आपको बहुत बहुत थैंक यू दैट यू आर डूइंग वेरी गुड इन दैट, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द न्यू जर्नी आपने शुरू किया क्रिकपेस के साथ, एंड बहुत सारी शुभकामनाएं क्रिकपेस को आपको भी। बिल्कुल सर, ये हमारा फर्ज बनता है एज अ रेडियो जॉकी कि हम लोगों को एंटरटेन करते रहे चाहे वो लॉकडाउन हो चाहे कितनी भी शांति हो। तो अभी फिलहाल मेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे ये है कि आखिर एक कोरियोग्राफर जो होता है उसकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या डांस होता है या उसकी लाइफ होती है? नाइस क्वेश्चन। वैसे तो कोरियोग्राफर के लिए सबसे पहले जो मतलब सबसे पहले आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट के लिए सबसे पहले उसकी एक कला उसके लिए सबसे पहले होती है, तो हम लोगों का पूरा डेडिकेशन अपने डांस के लिए होता है और अपनी बॉडी के लिए होता है कि बॉडी फिट रहेगी तो दैट वी कैन डू बेटर इन द डांसिंग साइड। तो सबसे पहले है कि हम लोग को बॉडी पे वर्क करना पड़ता है मतलब डांसिंग से पहले भी, तो बॉडी वर्कआउट बहुत जरूरी है। मैं मतलब आज का टॉपिक भी मैं यही रखा है कि लॉकडाउन में भी जैसे लोग अभी घर पे हैं तो मतलब सब लोग घर पे रहके भी कैसे फिट एंड हेल्थी रह सकते हैं, तो दैट्स सो नेसेसरी टू वर्कआउट एंड बहुत जरूरी है, मतलब अगर बॉडी फिट रहेगी तो आप लोग फिट है ऑब्वियस है। तो आपने ये कब डिसाइड किया था कि मुझे डांस एरिया में जाना है, मुझे डांसिंग स्टार्ट करनी है, ये कब हुआ था, क्या एज थी आपकी, कैसे मतलब स्टार्टअप किया आपने अपने जर्नी का, कैसे आपका सिलेक्शन हुआ? एक्चुअली क्या था कि जब मैं 5 साल का था मैं तो डांसिंग तो सबसे कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन प्रोफेशनली तो मतलब करते करते खुद से ऐसे आप डिसाइड नहीं करते जब आप मतलब किसी पैशन में हो और प्रोफेशन में जाने वाले हो, तो पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, जब आप करते हैं तो आपको खुद पता चल जाता है कि हाँ आप अच्छा कर रहे हो, तो बस ऐसे ही करते करते तो थोड़ा लगा कि अब थोड़ा और बिल्डअप करना चाहिए, तो आई ज्वाइन द इंडिया के सबसे बेस्ट क्लासेस इंस्टीट्यूट है द किंग्स यूनाइटेड, वहां से मैंने ट्रेनिंग लिया है। उससे पहले मैंने गुड़गांव में ट्रेनिंग लिया है एक और इंस्टीट्यूट में जैद पहले कंटेम्प्रेरी का, वहां से हिप हॉप का लिया है, क्लासिकल की ट्रेनिंग भी ली है, तो मतलब धीरे धीरे हो जाती है सब चीजें, और बहुत टाइम से आई थिंक 10 or 15 years से मैं अब कर रहा हूँ कंटिन्यू प्रोफेशनली भी, तो मतलब बहुत अच्छा है बहुत। तो ऐसा नहीं होता आपके साथ कि आप हर वक्त घर में कहीं ना कहीं कोई भी सिचुएशन में जाते डांस करने लगो, लाइक कभी मैच हो रहा हो, कभी आप किसी भी कोरियोग्राफर से ऐसे कभी भी इंटरेक्ट करोगे ना तो एवरीबॉडी विल टेल यू दैट कि कहीं पे अगर म्यूजिक चल रहा है
तो हम लोगों की बॉडी अपने आप मूव करने लग जाती है, वो बिल्कुल यूज टू है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, वो इनबिल्ड है. बिल्कुल मेरा भी फेवरेट जो सबसे कहते हैं ना फेवरेट, वो मेरा डांस है सिंगिंग. और मुझे डांस करना था इन फ्यूचर, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने सोचा क्यों ना हम इस एरिया में आते हैं, वो सडन हो जाता है ना कि कभी कभी आपका जो मतलब ट्रैक है, जो करियर का ट्रैक है, वो कभी कभी आप सीधे जाते रहते हो, बट बीच में बहुत सारी चीज हो जाती है, आप डिवाइड हो जाते हो. आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप मतलब डिवाइड हो गए हो और आपने डांस की बजाय कुछ और चूज करने की सोची हो? हाँ, एक्चुअली क्या है कि जब मैंने जर्नी स्टार्ट किया था डांस का, एक्चुअली बहुत ही आप ऐसे मान लो कि बहुत यू नो देखो टारगेट्स तो बहुत होते ही हैं, मतलब बीच में या फिर कहते हो कि बाधाएं तो बहुत आती हैं. तो बीच में एक बार हुआ था कि ऐसा लग किया कि मुझे लगता है कि डांसिंग नहीं करना चाहिए मेरे को, चूज तो कुछ और प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहिए. तो उस टाइम पे थोड़ा टाइम के लिए जॉब किया मैंने, लेकिन फिर बाद में रियलाइज हुआ कि मतलब जॉब के लिए बना ही नहीं होगा मुझे ऐसा लगता है शायद. तो फिर वापस से डांस किया, वापस से मतलब मेहनत की, वापस इस फील्ड में. तो काफी मेहनत के बाद फिर वापस से चीजें हुई हैं. अब वापस से लॉकडाउन लग गया तो काफी आर्टिस्ट परेशान भी हैं, क्योंकि आर्टिस्ट की तो मतलब भी लाइफ अभी वापस जर्नी शुरू करने बहुत मेहनत लगने वाली है वापस. ओके, तो जैसे COVID-19 जैसी सिचुएशन आपके मतलब यहाँ पे चली रही है, तो इसमें आप अपना घर पे टाइम कैसे स्पेंड करते हैं? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा कहना है वो ये कि कोविड में मैं क्या सभी को ये बताना चाहूंगा कि घर पे रह के मतलब बॉडी को आप स्टिफ ना करें, मतलब एक जगह पे ना ऐसे कि मतलब लेजी हो जाए, ऐसे वर्कआउट बिल्कुल कंटिन्यू रखें. क्योंकि हम लोग तो डांसिंग में जब हम लोग चलाते हैं तो सुबह भी बैचेस होते हैं, शाम को भी बैचेस होते हैं, तो ऑटोमेटिकली मतलब वर्कआउट होता ही होता है. पर जो घर पे अभी लोग जैसे हम लोग भी घर पे रह रहे हैं, तो मतलब वर्कआउट बहुत जरूरी होता है बॉडी फिट रखने के लिए. तो मतलब वर्कआउट तो होता ही होता है, बाकी कुछ हम लोग रीडिंग कर लेते हैं. मैं कुछ मुझे रीडिंग बहुत पसंद है, या फिर मतलब नई चीजें की नॉलेज लेना बहुत पसंद है, या कुछ वीडियोस देखना बहुत पसंद है. तो हम मतलब सफरिंग करते हैं, इंटरनेट यूजिंग ये सब चलता है. पर वर्कआउट मतलब मेन जो मेरा पॉइंट है अगेन कि वर्कआउट करना बहुत जरूरी है. सुबह शाम दो मतलब दो टाइम भी, एक टाइम भी कर लो आप, कोई भी चलता है, लेकिन अपने रूटीन में डालना जरूरी है बहुत. अच्छा, तो सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि मैं कंफ्यूज बहुत ज्यादा होती हूँ लेफ्ट और राइट में, हो सकता है मेरा ये लेफ्ट राइट गलत हो अभी, और जो डांस करते हैं और उसके बाद मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि आखिर लेफ्ट पैर कौन सा है, राइट पैर कौन सा है. आप लोग इतने श्योर कैसे होते हो कि ये लेफ्ट है ये राइट पैर है, ये मुझे बता दो. अभी जैसे आपने फ्रंट कैम किया हुआ है, जैसे आप जैसे मूव कर रहे हो, तो आई नो दैट अगर आप लेफ्ट साइड का कर रहे हो तो दैट इज द राइट साइड ऑफ योर्स, तो वो पता चल जाता है. मतलब आप बहुत ज्यादा क्लियर हो इस मामले में, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ. आई थिंक मैं आपके अभी जो आपका ईयरफोन का माइक है वो राइट साइड है, आई नो दैट. ओके, यही मतलब एक डांसर की बहुत बेहतरीन वो पहचान होती है कि उन्हें काफी नॉलेज है लेफ्ट और राइट के बारे में. एक्चुअली जब डांस की अच्छे से ट्रेनिंग होती है तो मतलब वॉइस कमांड और आइज का मतलब अलग अलग से ट्रेनिंग किया जाता है कि आप वॉइस कमांड पे कितना वर्क करते हो, मतलब आप ठीक से जो सुन रहे हो वो अप्लाई कर रहे हो. यार देखने का तो ऑब्वियसली है कि यार आप ठीक से देखोगे नहीं, तो वो सब ट्रेनिंग में इनबिल्ड रहता है, हम लोग को बताया जाता है. हमारे जो ट्रेनर्स होते थे, हम लोगों की ट्रेनिंग होती थी, वो केवल चेयर पे बैठे बैठे हम लोगों को इंस्ट्रक्शन देते थे कि आपको ये करना है वो करना है. तो फिर माइंड में करते करते हो जाती है चीजें. मतलब अगर ट्रेनर ने बैठे बैठे बोला कि फोर स्टेप फॉर द राइट साइड एंड देन द फ्रंट साइड फिर द लेफ्ट साइड, तो हम लोग को ऐसे फॉलो करना पड़ता है ना. तो वैसे फिर जब आप करते हो तो फिर आपको पता भी चल जाता है कैसे करना है. बट आपके साथ ऐसा होता है, हमारे साथ हमें हाथ में लिखना होता है दैट इज लेफ्ट दैट इज राइट. और अभी अच्छा, आपके जर्नी में अभी तक की सबसे स्पेशल चीज क्या रही है अभी तक की, जो आपने मतलब सोचा कि वाओ दैट्स आई वांट फ्रॉम माय लाइफ? मेरा बेस्ट टाइम अब तक वही था कि जब मैंने किंग्स में ट्रेनिंग लिया, क्योंकि वहां का जो ट्रेनिंग सेशन था वो बहुत जबरदस्त था. एंड वहां के जो मेरे फेवरेट मेंटर रहे हैं वो शेरिन सर रहे हैं, उनसे मैंने बहुत अच्छा सीखा है और उन्होंने बहुत अच्छा सिखाया भी है. उनसे पता भी चला है कि कैसे कैसे चीजें हैंडल करती हैं करते हैं और या फिर मतलब कोरियोग्राफी में कैसे हैंडल की जाती है चीजें. तो मतलब वो बेस्ट पार्ट रहा है अब तक की मेरी लाइफ का. वहाँ की जर्नी बहुत जबरदस्त रही है, मुंबई का लाइफ बहुत अच्छा था, दैट्स वाज द बेस्ट थिंग. एंड वहाँ पे अच्छे फ्रेंड्स मिले मेरे को नए, जो कि अच्छा कर रहे हैं अभी, बहुत अच्छा बेस्ट टाइम. सॉरी कॉल आ गई थी छोटी सी. और ओके, तो आपने ऐसा स्टार्ट किया डांस, आई लव डांस. अच्छा, आपके मेन इंस्पिरेशन कौन है डांस फील्ड में, आप किसको फॉलो करते हैं और आपको लगता है कि आप इन जैसा बनना चाहते हैं, इनके जैसा स्टेप्स करना चाहते हो?
फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबकी भी रहती है, मेरी भी है कि माइकल जैक्सन को मतलब शुरू से फॉलो किया है, कि मेरे नाम से भी जुड़ा हुआ है विनीत एमजे के नाम से। पर एज ए मेंटर मैं शिरीन सर को ही मतलब फॉलो करता हूँ, शिरीन सर से बहुत इंस्पायर हूँ क्योंकि उनसे मैंने काफी सीखा भी है। तो यही दो इंस्पिरेशन हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ। और आपने जब भी डांस सीखना स्टार्ट किया था, घर वाले आपके कितने सपोर्टिव रहे? आपके सपोर्ट में वो खड़े थे कि नहीं बेटा स्टडी करो, सिर्फ पढ़ाई करो, मेरी पढ़ाई जो करो? मेरी फैमिली एक्चुअली म्यूजिक के बैकग्राउंड से है, मेरे पापा ऑलरेडी मतलब सिंगिंग की क्लासेस देते हैं मुजफ्फरनगर में, मेरी सिटी में। तो मतलब वहीं से थोड़ा सा लगता है कि मतलब आर्टिस्ट को सपोर्ट देते हैं, ऐसी बात नहीं है कि मतलब सपोर्ट नहीं करते। मेरे भाई भी पहले कोरियोग्राफी कराते थे बहुत टाइम पहले, तो अभी बहुत जैसे उन्होंने फील्ड चेंज कर दिया, लेकिन मैं अभी भी स्टिल मतलब मैंने शुरू तो शुरुआत भी डांसिंग से की थी और मैं अभी भी स्टिल डांसिंग में हूँ। तो ऐसा आपके डांस में कभी हुआ है कि आपने किसी को इतना इंप्रेस कर दिया हो, मतलब इतना ही इंप्रेस कर दिया हो अपने डांस के थ्रू कि वो बंदा या बंदी आपके घर पर पहुंच आया हो, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन हुई हो कि यार यही तो मैं चाहता था अपनी लाइफ में, यही तो मुझसे एक्सपेक्टेड था कि मेरे साथ ये होगा? एक्चुअली क्या है कि मैंने अपनी जर्नी में बहुत सारे स्टेट लेवल के डांस कॉम्पिटिशन जज किए हैं बहुत, और उससे पहले बहुत परफॉर्म भी किया है। तो आई थिंक मैं एक का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अब तक की मेरी लाइफ में जो भी अच्छा हुआ है वो डांस की बदौलत ही हुआ है। जितने अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं, या जितना अच्छा बैकग्राउंड मिला है, या अगर आज मैं क्रिकेट पे अगर मैं लाइव भी हूँ तो दैट्स ओनली द रीजन द बिहाइंड द डांसिंग साइड। तो सारा क्रेडिट डांसिंग को ही जाता है, मतलब इंडिविजुअल ऐसा कुछ नहीं मैं कहूंगा कि कोई ऐसा कुछ हुआ कि मैंने इसको इम्प्रेस किया। अपने लाइन पे चलते जाओ वो चीजें होती चली जाती हैं। अगर मैं शिखा के साथ आप लाइव हो तो वो कहीं ना कहीं ऐसे कुछ इंप्रेसिव है नहीं चीजें, वो कहीं ना कहीं आपने गुडविल जर्नी आपने मतलब मेकआउट किया या मतलब बिल्डअप की है खुद की गुडविल, तो गुडविल क्रिएट करो अपनी, सब चीजें अपने आप हो जाती हैं। अभी मैं आपसे फिलहाल कहना चाहती हूँ कि जो भी हमें यहाँ पर इंस्टा पे लाइव देख रहे हैं, आप प्लीज उनको एक बार सबको हाय 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 बोल दो, क्योंकि सभी ये मैसेजेस भी आ रहे हैं इस पे और हम इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहते। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी और क्लिक क्लिक ऑल्सो। या हाय टू एवरीवन, एंड आई थिंक डिजिटल रोहित थैंक यू सो मच, एंड रुद्राक्ष है डांस क्लास कब ओपन कर रहे हो, तो वी विल सून दैट विल बी ओपन द डांस क्लास सून एज पॉसिबल आफ्टर द कोविड सेशंस इज कंप्लीटेड, देन वी विल स्टार्ट द क्लासेस अगेन। और कोई भी कुछ भी कुछ पूछना चाहता हो कि आखिर हम डांस अपने बॉडी को कैसे फिट रख सकते हैं, क्या करना चाहिए हमें, तो विनीत सर इज रेडी टू आंसर एवरीवन्स क्वेश्चन। कोई भी पूछ सकता है यहाँ पर, एवरीवन कैन आस्क एनीथिंग टू मी, एनीथिंग। या ओके, आपके लिए डांस कितना इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में? मैं मेरी लाइफ में तो सब कुछ डांस ही है। मतलब मेरी लाइफ से ज्यादा मैं डांस को इम्पोर्टेंस देता हूँ अपने, मतलब इम्पोर्टेंस जो है वो मेरी लाइफ से ज्यादा मेरे डांस की है, क्योंकि आज तक का जो भी मैंने बिल्डअप किया वो मैंने डांस के थ्रू ही किया है, व्हाट एवर इट इज। ओके, अच्छा एक छोटा सा गेम खेलें आपके साथ प्लीज। आप एकदम फ्री माइंड से खेलना, घर की सारी टेंशन को दूर करके खेलना, क्योंकि कोविड-19 का जो जो टाइम है वो चल ही रहा है, घर पे लॉकडाउन है, घर पे आप सेफ हो, सिक्योर हो। तो अभी एक छोटा सा गेम खेल लेते इसी बात पर, बहुत सिंपल सा गेम है। आपको मैं कुछ वर्ड्स दूंगी, है ना, और आपके ऊपर उस वर्ड्स के ऊपर आपको बस एक दो लाइनें बोलनी है, एक लाइन, वन वर्ड, वन सेंटेंस, है ना। माइकल जैक्सन, माय इंस्पिरेशन, एवरीबॉडीज इंस्पिरेशन एंड द किंग ऑफ पॉप। सो क्रिकेट, क्रिकेट बचपन से देखा है, एंड क्रिकेट के बगैर अगर टीवी देख रहे हैं तो बस क्रिकेट देख रहे हैं, मतलब मेरी लाइफ में भी ऐसा रहा है, टीवी मीन्स क्रिकेट। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती हो तो आपका एक्साइटमेंट लेवल जो एकदम अपर पर चला गया और आपने कुछ यूनिक सा कर दिया हो, कुछ हटके कर दिया हो, लाइक थाली लेकर बजाने लगे हो, आप ऑन रोड चले गए हो, और ऐसा कुछ किया आपने कभी? T20 वर्ल्ड कप जब इंडिया जीता था, इंडिया पाकिस्तान के साथ फाइनल था जहां तक मैं गलत नहीं हूँ आई थिंक, तो वहां पर जब लास्ट बॉल तक मैच गया था, तो उसके बाद क्या हुआ था कि हमारे यहाँ पे बिल्कुल सड़कें सुनसान थी जब वो फिनाले चल रहा था इंडिया पाकिस्तान का T20 का, एक्यूरेट मुझे ईयर याद नहीं है। तो आफ्टर जब सब लोग इंडिया जीतती थी यहाँ पर, तो सब लोग मतलब सड़कों पे निकल गए थे, और मतलब जो मतलब हमारा सेंटर ऑफ द पॉइंट ऑफ द सिटी का, सब लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए, वहाँ पे डीजे वगैरह सब, ऐसा बहुत बहुत खुशियां मनाई थी। मतलब क्रिकेट को लेकर भी अच्छा पार्ट रहा है अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं है। अच्छा हाँ, मतलब बॉयज का जो मैंने मेनली देखा है वो स्टार्टअप ही उनका बचपन जो है क्रिकेट से होता है, छोटा सा बल्ला।
हाँ जी ऑब्वियस है, क्रिकेट के बगैर तो बचपन होता नहीं लगेगा बिल्कुल बिल्कुल बचपन नहीं होता है। और आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ आपके अब तक की जर्नी में सबसे वर्स्ट जो सिचुएशन रही हो, कोई ऐसी सिचुएशन जिसको आप फेस नहीं करना चाहते थे बट अनफॉर्चुनेटली आपने फेस की वो सिचुएशन और फाइनली आप उससे बाहर आ गए। अभी चल रही है कोविड ऐसी सिचुएशन है जो हम अभी पिछले एक्चुअली लास्ट ईयर भी बहुत फेस किया इस चीजों को। अब लास्ट ईयर के बाद फिर हमने थोड़ा ग्रोथ किया बीच में जाके, तो ऐसा लगा कि शायद हम लोग ग्रोथ कर चुके हैं, लेकिन वापस अभी आ गया तो वापस से फेस कर रहे हैं। एंड मेरे ख्याल से मैं क्या कोई भी नहीं चाहेगा वापस से कोविड को फेस करना, क्योंकि सब कुछ जीडीपी इंडिया का इतना डाउन जा चुका है, बहुत सारी चीजें हो चुकी है, तो कोई भी नहीं चाहता इसको ऐसे वापस से फेस करना, तो स्पेशली बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल, और घर में बैठे बैठे इंसान थोड़ा बहुत हो सकता है, मतलब टाइम फैमिली को काफी ज्यादा मिल चुका है, बट अब जो टाइम है वो मन कर रहा है कि हम थोड़ा सा बाहर जाएं और चीजों को देखें क्या चीजें चेंज हुई है बाहर। ऑलमोस्ट इतनी शांति होती है बाहर कि हमें या मैं जिस फील्ड से बिलोंग करता हूँ तो हम लोग को ट्रैवलिंग बहुत रहता है, किसी कभी किसी सिटी में जा रहे हैं, कभी किसी सिटी में जा रहे हैं, कॉम्पिटिशन के रिगार्डिंग या काम के रिगार्डिंग वर्कशॉप्स होती हैं या क्लासेस होती हैं। हम लोगों का सारा काम ट्रैवलिंग का ही है मैक्सिमम, मतलब 80% 90% काम लोगों को ट्रैवलिंग से चलता है। अभी ट्रैवलिंग बिल्कुल बंद है तो बहुत फर्क पड़ा है, मतलब ऐसी बात नहीं, कोविड से बहुत फर्क पड़ा है। अच्छा बिल्कुल बंद तो है लेकिन कोई स्टेप करने पर प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि आपको बाहर जाने का मौका तो मिलता नहीं है। और कभी कभी होता है ना कि हमें सिचुएशन बहुत अच्छी मिल जाती है बाहर, लाइक अभी जो वेदर चल रहा है वो काफी अच्छा है तो उसको लेकर काफी हमें एक्साइटमेंट हो जाती है। मेरे फ्रेंड्स इतने परेशान थे मतलब मुझसे इस चीज को लेके कि मतलब जैसे हम लोग कॉलेज टाइम जब था तो जैसे कुछ फंक्शन होते थे, इवेंट्स होते थे, तो मतलब हम लोग ग्राउंड में खड़े हैं, म्यूजिक बज रहा है तो मैं वहीं पे शुरू हो जाता डांस करना, तो वो लोग बहुत परेशान थे मुझसे, भाई क्या है बॉडी में क्या है। कई बार ऐसे मिले हम लोग खामा खामे भी कहीं पे खड़े हैं, म्यूजिक आ गया माइंड में कुछ चल गया तो ऑटोमेटिकली चलने लगती है, हाँ मतलब चीजें चलने लगती है, हैंड मूवमेंट चलने लगते हैं, कुछ भी होने लगता है। हाँ वो ऑब्वियसली बात है क्योंकि आप एक डांसर हो, डांसर के रग रग में क्या कहते हैं वो मूव्स होते हैं, बहुत ऑब्वियस है, बहुत ऑब्वियस है। आप अच्छा मतलब इस टाइम लॉकडाउन के टाइम पर आप घर में खाना वाना कुछ हेल्प करते हैं या फिर सिर्फ डांस? वो सब चलता है, एक्चुअली मेरी बेटी है छोटी तो अभी सब चलता है, मैं सब सीख चुका हूँ। ओके कूल 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 सा है ये वक्त। और चलिए हम वापस अपने गेम पर आ जाते हैं, बातों बातों में बातें निकल जाती है। और मेरा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है काजोल। काजोल एक्ट्रेस भी है और आपने आप आंखों में भी लगाते हैं। या, बिल्कुल आंखों पे लगाते हैं। अच्छा टीवी, सॉरी टीवी ओके टेलीविजन। टेलीविजन मींस मैंने भी बताया क्रिकेट, मैं बस टीवी पे क्रिकेट ही देखता हूँ, मैं कुछ और देखता नहीं टीवी पे। बच्चे, बच्चे गॉड गिफ्ट। बीवी, बीवी टेंशन। I was expecting this from you. मतलब ऐसा आंसर क्यों होता है लोगों का? ऐसा तो वो तभी का है, वो यूनिवर्सल है, आप कहीं भी पूछो। यूनिवर्सल है, बिल्कुल यूनिवर्सल है, इसको हम चेंज करेंगे इन फ्यूचर, हम चेंज करेंगे। हाँ वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू डू दैट। टेंशन ओके। तो थोड़ा आप मुझे और जो हमें यहाँ पर देख रहे हैं लाइव इंस्टा पर उन्हें ये बताइए कि आखिर डांस से हमें क्या क्या प्रॉफिट है, क्या क्या हमें मतलब प्लस पॉइंट मिलता है अगर हम डांस करते हैं, हमारी बॉडी पे क्या क्या चेंजेस होते हैं, कितना हेल्दी रख सकते हैं अपने बॉडी को? बहुत फिट है, मतलब अगर आप, मैं सपोज करता हूँ कि कोई अगर प्रोफेशनली भी नहीं है, अगर मतलब वैसे भी ज्वाइन करता है तो मतलब एक घंटे की क्लास अगर आप लें तो बहुत मैटर करती है, क्योंकि एक घंटे का प्रॉपर वर्कआउट रहता है, स्वेटिंग आप करते हो, मतलब पूरा प्रॉपर वर्कआउट होता है, हाफ आवर का पहले एरोबिक स्ट्रेचिंग होता है, एंड आप थोड़े रिफ्रेशिंग से हो जाते हो क्योंकि मेंटली भी और बॉडी भी वर्क करती है और मेंटली भी वर्क करते हैं, तो बहुत रिफ्रेशिंग लगता है वो आपके लिए। अच्छा ओके आंसर खत्म कर दिया। मुझे लगा था कि आपके जो डांस के वर्ड को सुनकर ना मुझे बहुत बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है, इस टाइम मेरा मन कर रहा है आपको देख करके मैं डांस करूं बट नहीं कर सकते आप तो लाइव सेशन आई विल डू आई विल। अच्छा आपका कोई फेवरेट सॉन्ग हो? या फेवरेट सॉन्ग आप आप एक माइकल जैक्सन का सॉन्ग है हु इज इट, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, बहुत अच्छा सॉन्ग है, आप सुनिए। ओके आप थोड़ा सा सिंग कर सकते हो? ऐसे तो मतलब बहुत थोड़ा सा आप शॉर्ट सॉन्ग है आप सुनेगा, मतलब मुझे ऐसे पर्टिकुलर
मैं मेरी सिंगिंग बहुत खराब है एक्चुअली। एंड एक क्वेश्चन भी आया है यहाँ पे नाविक खुराना का, हाउ इम्पोर्टेंट इज डांस फॉर इम्प्रूवमेंट, इस पर है डांसिंग को लेके। मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मतलब स्पोर्ट्समैन भी एक जो होता है कोई वर्कआउट बहुत रहता है और फिजिकली और मेंटली बहुत प्रिपेयर होना था। सेम थिंग विद डांसिंग, बस थोड़ा सा मैं कहूंगा कि स्पोर्ट्समैन थोड़ा सा, जैसे हमारे यहाँ पे एक सेशन होता है जुम्बा का, तो स्पोर्ट्समैन का वर्कआउट जैसे होता है थोड़ा मतलब, क्योंकि उनको परफॉर्म करना होता है, हम लोगों का काम रिफ्रेशिंग करना है। तो अगर आप कहीं ना कहीं उसको कनेक्ट कर लें तो शायद थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा, थोड़ा रिफ्रेशिंग हो जाओगे, टेंशन थोड़ी दूर हो जाएगी और काम करने में मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जो हमें बहुत सारे लोग देख रहे हैं इस टाइम पर, उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो प्लीज पूछ सकते हैं, जैसे कि अभी सर ने पूछा है, और अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं। इस टाइम पे हमारे बहुत से जो मतलब एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, और वो सारे अभी घर पर बैठे हैं कहीं ना कहीं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो एज अ कोरियोग्राफर, एज अ डांसर, कि वो अपने बॉडी को कैसे फिट रखे? डांसर्स का जो वर्कआउट होगा थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी पे ज्यादा वर्क करते हैं एंड थोड़ा सा मतलब स्ट्रेंथ पे भी वर्क करते हैं, दोनों पे वर्क करता है। लेकिन जो घर पे भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं या फिर डांसर्स हैं या कोरियोग्राफर्स हैं, तो बस मेरी यही है कि आप क्योंकि थोड़ा इनोवेटिव हो सकते हैं अपने घर पे रखे, थोड़ा और मतलब अपग्रेड कैसे करने अपनी कोरियोग्राफी या अपना परफॉर्मेंस पे वर्क कर सकते हैं। मेरे काफी सारे स्टूडेंट अभी घर से जो मतलब बहुत सा काम कर रहे हैं, वीडियोस अपलोड कर रहे हैं या मतलब वो वर्कआउट करते रहते हैं, या मेरे को देखते रहते हैं कि सर हमने ये अभी प्रिपेयर किया है, ये नई कोरियोग्राफी की है, मतलब खुद को ड्रिल करना है। अभी अच्छा टाइम है क्योंकि जो जितने भी कोरियोग्राफर्स होते हैं ज्यादातर वर्कआउट काम में बिजी रहते हैं, तो खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, तो ये अच्छा टाइम है कि खुद को ड्रिल करें, कि खुद को अपडेट करें, ये भी अच्छा टाइम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ क्रिकेट के थ्रू भी, और एज एन आरजे की, अगर इन फ्यूचर इंसान अगर डांसर, जैसे कि आप डांसर हो, उसके साथ साथ आप एक्स्ट्रा क्या क्या चीजें करते हो डांस के अलावा? देखियो ऐसे जैसे मेन जो काम कोरियोग्राफिंग का होता है, कोरियोग्राफी का होता है, उसके साथ आप बहुत सी चीजें जोड़ सकते हो। जैसे आप डायरेक्शन जोड़ सकते हो उसके साथ, आप डायरेक्शन के लिए और जा सकते हो, ठीक है ना। आप जैसे डांस कोरियोग्राफी एक अलग चीज है, यू कैन मेक ऑल्सो ए जुम्बा इंस्ट्रक्टर इन दैट। अगर आपको डांस की नॉलेज है तो जुम्बा इंस्ट्रक्टर आप बहुत आराम से कर सकते हो। आपको फिजिकली बॉडी की अच्छी नॉलेज हो जाती है, कि आपको वर्कआउट की बहुत सी नॉलेज हो जाती है, तो आप ऐसी बात नहीं, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, मतलब उसके अंदर आपके बहुत बेनिफिट्स हैं। बॉडी को लेके आप बहुत एक्टिव हो जाते हो अगर आप डांस फील्ड में। और एक चीज मैं पूछूं, अगर एज अ क्रिकेटर, अगर क्रिकेट फील्ड में आपने क्रिकेटर्स को देखा है, तो आपके अकॉर्डिंग अगर आप किसी को कोरियोग्राफ करना चाहे, तो वो कौन सा क्रिकेटर होगा, और क्या लगता है आपको, वो क्या वो कर पाएंगे? ऑब्वियस है कि कोहली सर को करना चाहेंगे, वो मतलब काफी उनका फेमस भी हुआ है कि वो मतलब ग्राउंड पे काफी सारा करते भी रहते हैं, तो कहीं मौका मिला तो कोहली सर को करना चाहूंगा, कर रहा है वो तो बॉलीवुड नंबर। वाह वाह, बहुत अच्छा। ये तो मतलब ये एक्सपेक्टेड था, विराट कोहली, मतलब उनके तो फैंस बहुत सारे हैं। आप किसके फैन हो क्रिकेट में, आप किसके फैन हो? मेरे दो मेरे फेवरेट रहे हैं एक्चुअली, एक तो मैं शुरू से जॉन्टी रोड्स का बहुत फैन हूँ एंड वन ऑफ देम, और एक और लैंस क्लूजनर साउथ अफ्रीका। मेरे को ये दोनों प्लेयर बहुत अच्छे लगते हैं, और इंडियन टीम तो देखो हम लोग वो तो बेस्ट है, लेकिन जॉन्टी रोड्स को मैं बहुत शुरू से मतलब उनकी फील्डिंग बहुत पसंद है शुरू से। एंड लैंस क्लूजनर को आई थिंक 99 का वर्ल्ड कप था, आई थिंक 2003 का वर्ल्ड कप था, तो मैंने तो वर्ल्ड कप रहे थे शायद, और पूरे वर्ल्ड कप में आउट, मैंने वो पूरा वर्ल्ड कप देखा था एक्चुअली, तो मैं तभी से लैंस क्लूजनर का बहुत फैन हुआ था। तो अभी आप ये COVID-19 का जो सिचुएशन चल रहा है, इस पर आप सबको जो अभी इस टाइम पर घर पर हैं, उनको क्या अपनी ओर से एक मैसेज देना चाहते हो? मैसेज मेरा बस सभी को ये है कि थोड़ा पेशेंस रखें, अभी सब कुछ ठीक होने वाला है, शायद हम लोगों की जो सरकार है वो अच्छा काम कर रही है, थोड़ा पेशेंस रखें एंड अपनी बॉडी का ध्यान रखें, हेल्दी रहें, फिट रहें। बाकी तो सबको पता ही है कि कोविड की जो गाइडलाइंस हैं क्या क्या है, लेकिन अपनी बॉडी को भी एक्टिव रखें थोड़ा सा। ओके। और फाइनली, अगर जो अभी हमें देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपने क्रिकेट ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, तो आप अभी तुरंत जाके डाउनलोड करिए, क्योंकि क्रिकेट की इतनी सारी नॉलेज आपको मिलेगी। और क्योंकि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो हम चाहते हैं कुछ ना कुछ डिफरेंट हमारे साथ हो, कुछ डिफरेंट हम सुने, और जो भी क्रिकेट के फैंस है वो तो डाउनलोड करते ही करते हैं। तो अभी जो लोग हमें यहाँ पर लाइव, हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है, मैंने भी उनसे डाउनलोड की, एक्चुअली बहुत अच्छी एप्लीकेशन है एंड बहुत अपडेट
मतलब क्रिकेट के चीजें वो लेके, तो आई करना चाहिए, डाउनलोड करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत सारे लोग मैसेज भी कर रहे हैं हमें, हाय हाय, जिन्होंने भी हमें हाय वाला मैसेज भेजा है। हाय नहीं हाय करूंगी, साहब। हेलो कहूंगी सबको। एंड विनीत सर, जाते जाते मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए दो वर्ड्स कह दें। शिखा, आपको मैं बहुत पहले से फॉलो करता हूँ कि मैंने आपकी परफॉर्मेंस पहले भी देखे हैं, जहाँ पे आप पहले भी वर्क करते थे जिन कंपनी के साथ, एंड यहाँ पे भी बहुत अच्छा कर रहे हो। अभी आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है एंड मुझे पूरा पक्के से पता है कि आपका काम इज दैट, कि क्रिकेट प्लेस को बताना चाहूंगा कि शिखा बहुत अच्छा काम करती है, अपने काम के लिए बहुत डेडिकेटेड थैंक यू सो मच। अब लोगों को है। समझ में आता एंड थैंक यू अगेन है। फॉर क्रिक प्लेस की मुझे इनवाइट किया और मुझे याद किया ऐसे अपने पेज पे, एंड थैंक यू सो मच क्रिक प्लेस। बिल्कुल विनीत सर, इन फ्यूचर भी हम आपको ऐसे ही अपनी साइट लाइव मतलब ज्वाइन कराते रहेंगे। प्लेस। और बहुत सारी बेस्ट विशेस कि आपका जो लॉकडाउन है घर पे बहुत सेफ और सिक्योर बीते, इवन आपके थैंक यू सो फैमिली मच। के साथ भी, और आप अपने डांस को ऐसे ही आगे कंटिन्यू रखें ताकि हमारा भी एंटरटेनमेंट होता रहे, प्लस लोगों का भी होता रहे, और आपको सेफ रखें, सिक्योर रखें। थैंक यू सो मच शिका, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच क्रिक प्लेस और अगेन। जो लोग भी हमें यहाँ पर मैसेज कर रहे हैं वो भी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और क्रिक फ्लेक्स को ऐसे ही ज्वाइन करते रहो जब भी हम नेक्स्ट टाइम इंस्टा पे लाइव आएंगे। और थैंक यू विनीत सर, बहुत अच्छा ओके लगा आपसे थैंक यू बात यार, करके। सेम हियर यार, थैंक सेम यू हियर। सर। ओके ओके बाय बाय। बाय बाय बाय। और नेक्स्ट टाइम हम एक नए चेहरे के साथ मिलेंगे, हो सकता है वो मैं हूं या मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। हम जो नेक्स्ट जिनका भी इंटरव्यू लेंगे वो आपके साथ इंस्टा लाइव पर आएंगे, और ऐसे हमारे साथ बहुत सारे लोग लाइंड अप हैं इस टाइम पर, तो आप बिल्कुल रेडी रहिएगा नेक्स्ट टाइम के लिए, और अपने क्वेश्चंस भी रेडी रखिएगा क्योंकि हमारे जो अपडेट्स है वो आपको क्रिक फ्लेक्स ऑफिशियल पेज पर, इंस्टा पेज पर मिलती रहेगी, और साथ ही साथ फेसबुक पर भी मिलती रहेगी। तो आप वहां पर कमेंट सेक्शन में थोड़ा तो मुझे जाकर बता सकते हैं कि आखिर आपको ये लाइव सेशन कैसा लगा था। नेक्स्ट जो हमारा लाइव होगा उसे हम फिर किसी नए स्पेशल पर्सन को लेकर आएंगे और आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। और जिन्होंने भी मैसेज किया है, सिमरन कश्यप, साहिल, माधव गोए और नादिर हुसैन, नाविक खुराना, शिल्पी, दीपक महरुलिया, इन सभी को हाय मेरी तरफ से। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंस्टा लाइव पर। थैंक यू।